हेलो दोस्तों, घर में आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी बहुत ही अनमोल होती है। और जब आपको ये पता चलता है कि जुड़वा बच्चा है तो ये खुशी दुगनी हो जाती है, खुशियाँ बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन घर में जुड़वा बच्चे हैं या नहीं, इसका पता तो आपको अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा। कई महिलाएं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती हैं, कई महिलाएं डॉक्टर को देर से दिखाती हैं, उनको ये पता नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने जा रही हूँ कि अगर पेट में जुड़वा बच्चे होते हैं तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, शरीर में क्या बदलाव होता है, आपको कैसा फील होगा। अगर आप इन बातों को जान जाएंगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि जुड़वा बच्चा घर में पल रहा है या नहीं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का पहले तिमाही में वजन कम बढ़ता है, जबकि शुरुआत में वजन थोड़ा कम हो जाता है। यदि घर में जुड़वा बच्चे हैं तो प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है, साथ ही तीसरे महीने से ही आपका पेट बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत के 3 महीनों में प्रेग्नेंट महिला का वजन नहीं बढ़ता है, यहाँ तक कि कम ही हो जाता है। इतनी सारी परेशानियाँ उनको आती है कि वजन बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। पर जिन महिलाओं का वजन बढ़ने लगा है तो हो सकता है उनके पेट में जुड़वा बच्चे हों, और पहले 3 महीने में पेट बहुत कम बाहर निकलता है। पर अगर पेट 3 महीने में ही दिखाई देने लगा तो ये भी जुड़वा बच्चे होने का संकेत होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी की शुरुआत में भूख में कमी होना आम समस्या होती है। दोस्तों, 3 महीने तक किसी भी महिला को भूख बहुत कम लगती है, आपको भी पता है उस समय कई परेशानियां आती है। 4वें महीने के बाद या 4वें महीने से भूख लगना शुरू होता है, पर जिन महिला के पेट में जुड़वा बच्चे हैं उनको शुरुआत से ही भूख की समस्या हो जाती है, उनकी भूख बढ़ जाती है, ज़्यादा खाना खाने का मन करता है। तो अगर किन्हीं के साथ ये परेशानी है, उनको ज़्यादा भूख लग रहा है पहले 3 महीनों में ही, पहली तिमाही में ही, तो समझिए जुड़वा बच्चा है। गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर ब्रेस्ट में बदलाव आ जाता है, ब्रेस्ट में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि स्तनों में भारीपन, दर्द की समस्या हो जाती है, ब्रेस्ट के अगले हिस्से का रंग गहरा हो जाता है, ऐसे कई सारे बदलाव महसूस होने लगते हैं जो अक्सर महिलाओं को 4वें महीने के बाद होता है। तो अगर 3रे महीने में ये परेशानियां हैं तो समझिए जुड़वा बच्चे होने के निशान है। यदि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी, चक्कर, सिर में दर्द जैसे परेशानियाँ अधिक हो रही है तो इन लक्षणों को महसूस करके भी आप पता लगा सकती हैं आपके पेट में ट्विंस बेबी है। इस बात की इशारा करता है दोस्तों, ज़्यादा थकान और कमजोरी का अनुभव करना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके घर में जुड़वा बच्चे पल रहा है। यदि आपके शरीर में भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझिए जुड़वा बच्चे हैं। पर दोस्तों, एक मैं नॉर्मल बात आपको बता रही हूँ, ये कोई कन्फर्म नहीं कर रही हूँ कि ऐसा ही होता है। ये बात आपको डॉक्टर अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि घर में पल रहा शिशु एक है या दो है। आप डॉक्टर की देखरेख में ही सब बातों को जानने की कोशिश करें। मैं नॉर्मल बातें आपको बता रही हूँ। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई है। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।